होगा। मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे यहाँ पे मैंने एक ओलंपियाड दिया, उससे मेरे को पता लगा कि मैं भगवत गीता के बारे में कितना जानता हूँ, अपने वेदों के बारे में कितना जानता हूँ, अपने जो धर्म है उसके बारे में कितना जानता हूँ। मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ से। जब गीता ज्ञान लिया वहाँ से तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ह्यूमन बर्थ। ओके, दो तीन डाउट्स थे वो मैंने सर से पूछ लिए, तो उन्होंने भी मतलब मेरा सेटिस्फेक्शन हो गया उससे, और मैं श्योरली आपका एक कोर्स ज्वाइन करूँगा। हरे कृष्णा, हम गिव संस्था से हैं, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गिव की स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली के अंदर, प्रगति मैदान के अंदर। हमें हॉल नंबर 1 मिला है और वहाँ पर हमारी स्टॉल है, जिसके अंदर हम प्रयास कर रहे हैं लगातार लगे हुए हर भारतीय को, हर सनातन धर्मी को भगवद गीता के ज्ञान से जोड़ने के लिए। तो हम सिर्फ एक जीव की तलाश में रहते हैं हर समय, कि कोई जीव मिले जो इसमें इंटरेस्ट दिखाए और जो प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में भी हमारे साथ जुड़े, जिससे क्रांति आए और ये सनातन धर्म फैले, हर हिंदू सच्चा हिंदू बने, हर सनातन धर्मी सच्चा सनातन धर्मी बने, केवल बोलने वाला नहीं कि मैं सनातन धर्मी हूँ जी, मैं हिंदू हूँ। ऐसे एक सज्जन से जो हमें मिले यहाँ पर स्टॉल में, उन्हीं के मुख से जानिए कि उनको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा नाम माधव है और मैं एज अ सिनेमेटोग्राफर काम करता हूँ स्पीकिक्स कंपनी में, और आज मैं बुक फेयर में आया था तो मैंने इनका एक स्टॉल देखा, तो मेरा एक इंटरेस्ट जागा कि क्यों ना मैं एक ये टेस्ट लेके देखूं कि मेरी स्पेशलिटी कहाँ तक है और मेरी नॉलेज कहाँ तक है। तो जहाँ पे इन्होंने मेरा एक कॉमन टेस्ट लिया, और उस कॉमन टेस्ट में मेरे कुछ मिस्टेक्स हुई, चीज़ें हुई जहाँ पे मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं थी और मेरे को पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं था उस चीज़ के बारे में, तो जो मेरे को डाउट्स थे इन्होंने मेरे डाउट्स क्लियर करे। यहाँ पे इनका एक बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हैं प्रोग्राम टाइप का भी शुरू हो रहा है, जिसके अंदर वो यूट्यूब पे भगवत गीता के ट्यूटोरियल सिखाने वाले हैं, और मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब सब यंगस्टर्स को सुनना चाहिए, एटलीस्ट सबको एटलीस्ट अपने मतलब धर्म के बारे में एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए, जो मुझे फील होता है। और इसलिए मैंने ये टेस्ट भी लिया, और ये टेस्ट लिटरली बहुत अच्छा था, इन्होंने मेरे बहुत सारे डाउट सॉल्व करे। तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी हमारे यंगस्टर्स की मर्ज़ी है वो, तो मैं चाहूँगा कि यंगस्टर्स यहाँ पर एटलीस्ट आएँ, एटलीस्ट जो टेस्ट है वो टेस्ट देके देखें और ख़ुद देखें कि उनकी नॉलेज कहाँ है अपने धर्म को लेके। सिर्फ 20 क्वेश्चंस हैं, उसको अटेम्प्ट करें और उन 20-15 क्वेश्चंस के अंदर आप देखें कि आपकी नॉलेज कहाँ पर है, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, उन पूछिए। वो आपको पूरा टाइम दिया इन्होंने मेरे को लिटरली उन्होंने 20-25 मिनट्स दिए मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं इनका जो कोर्स है जो मे बी शायद 10-15 डेज का कोर्स है मे बी। हाँ जी, हमारा जो कोर्स है मतलब 26 डेज का कोर्स है, आधा घंटा पर डे, और ऐसे 13 आवर्स का टोटल। तो बता दें कि 26 डेज का कोर्स है, मैं डेज भूल गया, बट हाफ एन आवर मतलब एटलीस्ट देने चाहिए। पहले तो प्लीज़ आप आइए, टेस्ट देके देखिए, आप टेस्ट देंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कहाँ पर है, और आपको एक जागरूकता होगी जैसे मुझे हुई आज कि मेरे को जानना चाहिए। धन्यवाद। हरी ओम। हरी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौर हरी, हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने जो हमारा वीडियो है उसे देखा, बहुत बहुत उसके लिए आपका आभार। तो हम वर्ल्ड बुक फेयर में हैं और यहाँ पर हमारे स्टॉल लगी हुई है गिव की, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की, और आप सब ने हमारे प्रयास देखे ही हैं। हम श्री प्रभुपाद जी और हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर श्रीमद नावचंद दास जी की प्रेरणा से पूरे जोश से साथ पूरी की पूरी जो गिव की टीम है वो लगी हुई है प्रचार कार्य में, परंतु हम लिमिटेड ही हैं, तो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब उत्साह की भावना दिखा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे स्टोर पर लगातार बने हुए हैं और मेन पावर की हमारे पास कमी है, तो हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, परंतु हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अगर और भी अधिक मेन पावर मिल सके तो हम और भी अच्छा कर सकते हैं। तो आप सब जो भी भक्तगण गिव के साथ जुड़े हुए हैं और प्रचार कार्य में सहयोग कर सकते हैं, कृपया आप सब भी अगर हमारा सहयोग करें तो प्रचार कार्य और भी अधिक अच्छा हो सकता है। तो आपसे प्रार्थना है, अगर आप हमें सहायता पहुंचाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, और आप भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बनेंगे और प्रचार कार्य और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आपसे प्रार्थना है कि इस प्रचार में सहयोगी बने, और यदि आप हमें सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ संपर्क करें, हमें व्हाट्सअप करें हमारे नंबर पर 9828
5148498285141 84। इस नंबर पे आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे और हमें सूचित करें और आप जरूर इसमें आएं और प्रचार में सहयोगी बनकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करें, श्री प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय गौर हरि, जय श्री प्रभुपाद।